आदि पुरुष के बाद महाभारत में काम करेंगे सैफ अली खान। इंटरव्यू में सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा, रावण के बाद अब कौन सा किरदार निभाएंगे। फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इसका कारण कहीं ना कहीं पुरानी बातें भी हैं, क्योंकि बॉलीवुड पर हमेशा से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप भी लगता रहा है और इस बार लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा है कि लोग अब फिल्म को बैन करने तक की मांग कर रहे हैं। ज्यादा नाराज लोग आदि पुरुष में रावण के किरदार को लेकर हैं। लोगों का कहना है ये किरदार कहीं से भी रावण का नहीं लग रहा। अब इन्हीं सब के बीच रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर सैफ अली खान ने एक खुलासा किया जिससे जनता और भड़क सकती है। चलिए आपको भी बताते हैं कि ऐसा क्या कहा है सैफ अली खान ने। दरअसल आदि पुरुष के बाद सैफ अब महाभारत में काम करना चाहते हैं। सैफ अली खान ने हाल ही में बॉलीवुड बबल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई। इस दौरान उन्होंने फिल्मों में अपने आइडियल रोल के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता हूं जो मुझे ऑफर किया जाता है। मेरा कोई ड्रीम सब्जेक्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचने का कोई मतलब है, लेकिन मैं महाभारत में एक्टिंग करना चाहूंगा अगर कोई उसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह बनाए। सैफ ने आगे कहा, हम अजय देवगन के साथ कच्चे धागे के बाद से बात कर रहे हैं। हमारी जनरेशन में ये ड्रीम सब्जेक्ट है। अगर पॉसिबल हो तो हम बॉम्बे और साउथ इंडस्ट्री को साथ ला सकते हैं। कर्ण मुझे ज्यादा अपील करता है, इसमें कई बेहतरीन किरदार है। अब सैफ के इस बयान के बाद से बवाल मच सकता है, क्योंकि पहले से ही जनता उनके रावण वाले किरदार पर भड़की हुई है और सवाल खड़े कर रही है। उनके किरदार के मूछों तक पर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में अगर महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने की बात करेंगे सैफ, तो जनता और भड़क सकती है। खैर, सोशल मीडिया पर वैसे भी ये बयान छाया हुआ है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अब बात करें इस फिल्म की, तो आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म रामायण पर आधारित है। इसका टीजर जब से रिलीज हुआ तब से बवाल मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि इस फिल्म में भगवान के किरदारों को गलत तरीके से दर्शाया गया है और सबसे ज्यादा नाराजगी लोगों की रावण से है। लोगों का कहना है कि रावण का किरदार बिल्कुल रावण जैसा नहीं है। बता दें कि इस फिल्म में टीजर में प्रभास राम के अवतार में, सैफ अली खान का रावण अवतार में, इसके अलावा कृति सेनन भी सीता के रूप में नजर आने वाली है। ये फिल्म दुनिया भर के करीब 20,000 स्क्रीन्स पर अगले साल यानी 2023 में रिलीज की जाएगी। ये फिल्म करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। वहीं 2 अक्टूबर को इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है और ये टीजर भगवान राम की नगरी अयोध्या में रिलीज किया गया था। फिलहाल सैफ अली खान के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।